61 फसलों की 109 किस्में। प्रधानमंत्री ने किसानों को दी बड़ी सौगात, जारी की फसलों की नई किस्में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को रविवार को बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त किस्में जारी की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे किसान भाई बहन प्राकृतिक खेती की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। आज उनके अनुभवों को करीब से जानने का मौका मिला। इस दौरान हमने प्राकृतिक खेती के लाभों पर विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने 61 फसलों की 109 किस्मों को जारी किया, जिनमें 34 खेती की फसलें और 27 बागवानी फसलें शामिल हैं। खेती की फसलों में मोटे अनाज, चारा फसलें, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास, रेशा और अन्य संभावित फसलें शामिल हैं और अनाजों के बीज जारी किए गए। बागवानी फसलों में फलों, सब्जियां, बागान फसलों, कंद फसलों, मसालों, फूलों और औषधीय फसलों की विभिन्न किस्में जारी की गई। अब जरा शिवराज सिंह चौहान, जो कि कृषि मंत्री हैं, इन्हें भी सुनिए वो क्या कुछ बता रहे हैं। बागवानी की आपकी ऐसी किस्में तैयार की जो जल्दी खराब नहीं होगी, दिखने में भी सुंदर हो, कलर स्वादिष्ट भी हो, जिसको हम एक्सपोर्ट भी कर सके, एक्सपोर्ट हम कर भी सके। आज मैं फिर एक बार अपने वैज्ञानिकों को बधाई दूंगा, 109 नई किस्में किसान की जिंदगी भी बदलेगी, उनकी लाभ को भी बढ़ाएगी और जनता के लिए भी पोषण की दृष्टि से बहुत उपयोगी होगी, हमारे एक्सपोर्ट को भी बढ़ाएगी। और कार्यक्रम ये कोई हाल में नहीं था, अक्सर होता है कैसे कार्यक्रम एक बड़े हाल में हो जाते हैं, ये भाषण होता है। प्रधानमंत्री जी का जो सोच था कार्यक्रम खेतों में करेंगे, किसानों के बीच करेंगे, लैब टू लैंड सीधे जानकारी जानी चाहिए, वैज्ञानिक वहां रहेंगे, किसान रहेंगे, प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री रहेंगे और आपस में चर्चा करेंगे। आज का कार्यक्रम भी अद्भुत था, अलग अलग तीन जगहों पर ये 109 प्रजाति प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित की। किसानों के मन में जिज्ञासा थी, उनके सवाल थे, वैज्ञानिकों ने उत्तर दिए, प्रधानमंत्री जी ने किसानों से भी बात की, वैज्ञानिकों से भी बात की। और ये बात केवल प्रधानमंत्री और वैज्ञानिकों की और किसानों की, आज ये बात सारे किसानों के बीच जाएगी तो जो किसान यहां नहीं थे वो समझेंगे कि किस बीज का क्या फायदा है, किस प्रजाति का क्या फायदा है। और सीधे लैब से लैंड तक, मतलब विज्ञान ने जहां प्रयोग किया वैज्ञानिकों ने, उससे सीधे किसान तक,